चप्पे से सूख के ये पूरी खाल निकलने लगी थी। रोजा रख के मैं अगर दिन भर सोऊं और सिर्फ नमाज पढ़ने उठाओ, आप जुनून है, जैसे काम करने का जुनून है। कोई ऐसा यादगार रमज़ान या रोज़ा कोई आपके लिए रहा जो आपको हर रमज़ान को याद आता हो कि यार ये रोज़ा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत मेमोरेबल हो? आई वाज इन गुजरात शूटिंग फॉर माय शो क्यों ते दिल छोड़ा है, एंड आई वाज शूटिंग माय आई थिंक फाइट सीक्वेंस विद कुणाल जयसिंह। मैं रोज़े में था। उनका शो फॉलो कर रहे हैं आजकल आप? कुणाल का या 100% मैंने इनफैक्ट कंग्रेचुलेट भी किया था उनका जब दुर्गा चारू आया था। बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा रोज़ा था और फाइट सीक्वेंस था ये, तो मेरे 4:30-5 बजते मेरे होठों पे से सूख के ये पूरी खाल निकलने लगी थी। और रोज़े में ऐसा होता है कि अगर ब्लड आ गया तो आपका रोज़ा थोड़ा सा प्योरिटी कम हो जाती है उसमें से, कि ब्लड नहीं आना चाहिए, आप ऐसा ऐसी चीज़ें होती। तो बट एक जुनून है, जैसे काम करने का जुनून है ऐसे रोज़े रखने का भी जुनून है। नहीं करना है तो करना है। तो रोज़ा हर बार आपको याद आता है? वो रोज़ा मतलब मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट रोज़ा वो दिन था। और मैं आपको आई टेल यू वन थिंग, वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल द पीपल जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख के घर में बैठ के एसी में नहीं रहना है आपको। रोज़ा रख के यू हैव टू गो आउट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम वर्किंग 13 hours इन अ डे इन रोज़ा, इफ़ आई वर्क 14 hours इन अ डे, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड ज़्यादा है। इस महीने में हर चीज़ की सवाब इनटू बहुत 70 हो जाता है, इनटू 70 एग्जैक्टली। मैं आपको नंबर्स बताऊँ तो इट्स इनटू 70। अल्लाह हर चीज़ में बहुत बरकत डाल देते हैं, हर चीज़ में, हर त्यौहार में। कहते हैं ना कि रोज़ा रख के मैं अगर दिन भर सोऊँ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने उठा वापस सो गया, या घर में ही हूँ सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ सो रहा हूँ, तो किसी काम का रोज़ा नहीं है। उससे बेहतर है कि यार, फिर उसमें लोग बोलते हैं अरे हम रख तो रहे, आप एहसान नहीं कर रहे, उसको ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको ही ज़रूरत है उसकी है। सो जस्ट इफ़ यू कीपिंग अ रोज़ा, जस्ट वर्क हार्ड, थोड़ा सा और मेहनत करो, कम सोच। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा जिक्र करो, इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो, नफले नमाज़ें पढ़ो। जैसे एक नमाज का सवाब 70 नमाज हो जाती है, आपने एक नमाज़ पढ़ी तो इंटू 70 हो गई। तो जब भी कभी आपने छोड़ी है वो पढ़ी है, तो दैट्स सो मच टू डू एंड सो मच टू लर्न। And I feel in every religion, be it कोई सा भी religion क्यों ना, जब ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे पाक त्यौहार आते हैं, तो जिस उसको ना फिर उस हिसाब से ही मनाइए। जैसे नवरात्रि में, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो जब भी मेरे घर आता था तो आई मेड श्योर कि घर में नो नॉन वेज बिकॉज ही स्टेइंग, वो मुझसे मिलने आया था, वो मेरे घर पर रुका। अभी कुछ दिनों की बात है, 31st को नवरात्रि ख़त्म हुई है, मुझे सब पता है। तो बिल्कुल नो टू नॉन वेज, यही तो खास बात है हमारे हिंदुस्तान की। जी, नो टू नॉन वेज। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, यू नो। एग्जैक्टली, एक दिल तभी जुड़ते हैं आपस में। और अभी उसने मेरे साथ इफ्तारी की स्टोरी भी बनाई है, उसने इफ्तारी भी की मेरे साथ, वो भी बड़ा ध्यान रखता है हर चीज़ का। तो यही है यार, दिस इज़ आवर रियल इंडिया।